जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 62 केंद्रों पर 11,971 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,604 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,367 लोग शामिल रहे, जिसमें 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, नगर निगम एम सहित सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार के दिन आरआई सेशन चलता है तथा गर्भवती महिलाओं के लिए जांच होती है और टीकाकरण किया जाता है तथा जनता से अपील किया कि कोविड को हराने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों का सेकेंड डोज का डेट पूरा हो गया हो तो अपना सेकेंड डोज लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 62 जगहों पर कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि आज शनिवार था, हमारा आरआई सेशन चल रहा था जिसमें कि बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है और बीएचएनडी सेशन रहता है, उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी जांच होती है और उनको उनका टीकाकरण होता है। तो 62 जगहों पर ही हमारा वैक्सीनेशन हुआ। अभी हमारे पास 12,000 से ज़्यादा की आज की कोविड वैक्सीनेशन हो गया है। सभी जगहों पर अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हुआ, शांतिपूर्वक निकला। सर, जनता से क्या बताएं? जनता से हमारी अपील है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोविड को हराने का। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में आ रही है और लोग अभी नहीं आ रहे हैं, तो हमें अपील करना है कि हमारे हर दिन हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, तो सभी लोग अपने अपने पास के बूथों पर आएँ और अपना अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। जो सेकेंड डोज से छोटे हुए लोग हैं, जिनका अभी ड्यू पूरा हो गया, समय पूरा हो गया है, वो ज़रूर आएँ। दोनों डोज से उन्हें 100% इम्यूनिटी मिल जाएगी और कोरोना से उनको ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी।